विल्टिंग क्या होती है? बेसिकली ये प्लांट है, आपको उन्होंने दिखाया हुआ है, इसमें इसके जो स्टेम्स हैं, इसके जो फ्लावर्स हैं, इसके जो लीफ हैं, वो किस तरह मूव कर रहे हैं? डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, यानी वो वीक हो गए हैं, ठीक है। तो अब वीक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वाटर जो है वो उन्हें प्रॉपर नहीं मिला था। सो व्हाट विल हैपन, विल्टिंग बेसिकली क्या है? ड्रॉपिंग और मूविंग डाउन, ठीक है। तो अब आपने, आपका क्वेश्चन किस तरह था, व्हाट इज़ विल्टिंग एंड व्हाट कॉजेज इट? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या बताना है कि विल्टिंग क्या है। विल्टिंग की मैं अभी डेफिनेशन बोलती हूँ, यू हैव टू राइट दैट विल्टिंग इज़ द ड्रॉपिंग डाउन ऑफ प्लांट लीव्स स्टेम्स एंड फ्लावर ड्यू टू इनसफिशेंट सप्लाई ऑफ वाटर इज कॉल्ड विल्टिंग, ठीक है। या फिर आपने स्टार्ट में लिख लिया विल्टिंग, ओके, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने कैसे डेफिनेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है। प्लांट के जो लीफ है, स्टेम है, और जो उसके फ्लावर है, उनका नीचे को झुक जाना, वो बेसिकली विल्टिंग कहलाता है। और क्यों? ड्यू टू लैकेज ऑफ वाटर एंड व्हाट कॉजेज इट। अब इसकी हमने एक्सप्लेनेशन इस तरह से देनी है, उसके बाद वो डेफिनेशन लिखने के बाद आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। इफ़ अ प्लांट डज नॉट गेट अ गुड सप्लाई ऑफ वाटर, वाटर लीव्स द सेल कॉजिंग देम टू गो फ्लॉपी और फ्लैसिड, फ्लैसिड सेल्स गिव नो सपोर्ट एंड द प्लांट विल्ट्स, ठीक है। ये उसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी किस तरह से कॉज क्या बन रही है, रीज़न जो है वो नरेट हो जाएगी, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो ऊपर वाला क्वेश्चन था टर्जिड, उसका आंसर बताया था, टॉपिक एक्सप्लेन किया था, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों का, व्हाट इज़ विल्टिंग एंड व्हाट कॉजेज इट, उसका आंसर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि आप लोगों ने किस तरह से लिखना है। पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है विल्टिंग की, उसके बाद आपने जो है ये सेकेंड पैराग्राफ ये अपना लिखना है, ठीक है। और ये दो ही क्वेश्चन हैं जो आप लोगों ने इस टॉपिक से रेलिवेंट अपनी नोटबुक्स के ऊपर करने हैं, ओके। यू ऑल्सो हैव टू वॉच द प्रीवियस वीडियो फॉर द होमवर्क, यू ऑल्सो हैव टू वॉच दिस वीडियो फॉर योर होमवर्क, एंड योर लेक्चर इज स्टिल कॉन्टिन्यू, ओके। सो ऑल्सो वॉच द नेक्स्ट वीडियो।